दोस्तों नमस्कार, जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, झारखंड के जिला लेवल ब्लॉक लेवल की वैकेंसी की अपडेट लेकर के आए हैं। बिल्कुल नया वैकेंसी है दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट जो भी इच्छुक हैं आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के किसी भी जिला से हैं, इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों किस तरह से आप फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ऑफलाइन तरीके से देखिए फॉर्म आपको जो है आपका भरा जाएगा। ठीक है, क्या पोस्ट निकल कर आई है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, सारी जानकारी मिलेगी वीडियो में। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए यह नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर भी सेंड कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम को दोस्तों आप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। देखिए यह वैकेंसी झारखंड के कोडरमा जिला से निकल कर आई है, जो कि जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं किसी भी जिला से हैं झारखंड के, तो आप इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा के आधार पर देखिए वैकेंसी निकाला गया है। देखिए स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग पोस्ट में दोस्तों कुल मिलाकर 55 पदों की यह वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्या क्या पोस्ट निकल कर आई है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों फॉर्म भरने का, 18 सितंबर तक आप जो है इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे, जो कि निबंधित स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप फॉर्म को भेजेंगे। देखिए फॉर्म भेजने का एड्रेस है मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, सदर अस्पताल परिसर, कोडरमा। ये देखिए एड्रेस है, इस एड्रेस पर देखिए फॉर्म भर के आपको जो है सेंड कर देनी है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या आपका जो है क्वालिफिकेशन चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए कि जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है 10+2 यानी 12th इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं, और 3 साल का जनरल नर्सिंग और एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग का कोर्स है दोस्तों, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 14,300 रुपये आपको देखिए सैलरी मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट प्रोब ऑपरेटर कम स्टोर कीपर के लिए जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे, डिप्लोमा दोस्तों आपके पास होना चाहिए फार्मासी में, और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 15,015 रुपये आपको देखिए सैलरी दी जाएगी। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए आवेदन कर सकते हैं, मैट्रिक पास चाहिए और ITI होना चाहिए दोस्तों रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, और 2 से 3 साल का देखिए एक्सपीरियंस मांगी गई है, 11,000 आपको जो है पेमेंट दिया जाएगा। ब्लॉक डेटा मैनेजर के लिए जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे, देखिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं तो उसके साथ देखिए 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मतलब कंप्यूटर की कोर्स आपका जो है होना चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखिएगा 2 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगी गई है। 15,000 रुपये देखिए आपका जो है सैलरी दी जाएगी इसमें। कंसलर पोस्ट लिए जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे, मास्टर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों आपके पास, बैचलर डिग्री आपके पास है फूड में, फूड न्यूट्रिशन में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए होम साइंस आप किए हुए हैं, ऑनर्स पास हैं, तो फिर भी आप ऑनर्स या पास हैं तो मतलब जनरल पेपर भी है होम साइंस में, तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, 12,375 रुपये आपको देखिए पेमेंट दी जाएगी इसमें। ANM के लिए जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे, देखिए 10+2 आपका होना चाहिए, 12th पास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है आपके पास, तो आवेदन कर सकते हैं। और ANM कोर्स आपके पास होनी चाहिए, 11,466 रुपये आपको देखिए इसमें जो है पेमेंट दी जाएगी। दोस्तों देखिए सेक्रेटरी नर्स के लिए जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और देखिए आपके पास जो है अवार्डेड आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ कोर्स स्टडी ऑफ मिनिमम 2 ईयर मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक सोशल वर्क। देखिए आपके पास जो है मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक सोशल वर्क का जो है मतलब कोर्स आपका होना चाहिए। 26,250 रुपये आपको देखिए सैलरी इसमें जो है दी जाएगी। हालांकि देखिए नर्स का दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं 10+2 इंटरमीडिएट और जनरल मिडवाइफरी ट्रेनिंग का कोर्स होना। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में मतलब वैकेंसी है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में है, तो अलग मतलब कौन से डिपार्टमेंट में कौन से पोस्ट है, तो देखिए इसमें देखिए आपका जो है नर्स के लिए दोबारा जो है वैकेंसी है, 14,300 रुपये आपको देखिए इसमें जो है पेमेंट दी जाएगी। फार्मासिस्ट के लिए जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे, देखिए डिप्लोमा इन फार्मासी आपका होना चाहिए, 10,450 रुपये आपको जो है पेमेंट दिया जाएगा। देखिए सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र के लिए जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स आपका जो है होनी चाहिए, 19,047 रुपये आपको देखिए पेमेंट इसमें जो है दी जाएगी। दोस्तों देखिए सीनियर TV लैब सुपरवाइज़र के लिए जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी
आपके पास होनी चाहिए। 20,400 रुपये आपको देखिए पेमेंट दिया जाएगा। ध्यान रखिए इसमें एक्सपीरियंस भी आप लोगों से जो है मांगी गई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे, देखिए इंटरमीडिएट होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास, ठीक है, जो कि इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 1 ईयर एक्सपीरियंस देखिए मांगी गई है आपसे। 15,208 रुपये देखिए इसमें आपको जो है पेमेंट दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए PPM कोऑर्डिनेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा और भी जो इसमें आप लोगों से क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे कि देखिए एक्सपीरियंस भी आपसे मांगी गई है रिलेटेड फील्ड में। 16,564 रुपये आपको देखिए पेमेंट दी जाएगी। सीनियर DOTS प्लस सुपरवाइज़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर मतलब आपको जो है कोर्स होना चाहिए आपके पास। और देखिए एक्सपीरियंस भी मांगी गई है आपसे। 26,016 रुपये आपको जो है पेमेंट दिया जाएगा। अकाउंटेंट के लिए पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर, ग्रेजुएट कॉमर्स होना चाहिए आपके पास। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगी गई है। 11,148 रुपये पेमेंट आपको इसमें मिलेगी। देखिए TVHB RNTPC के अंतर्गत वैकेंसी है, ग्रेजुएट होनी चाहिए, इंटरमीडिएट, अब मान लीजिए आप इंटरमीडिएट हैं तो इंटरमीडिएट और एक्सपीरियंस आपका जो है होना चाहिए। जैसे MPW, LHB, ANM, हेल्थ वर्कर, इस सब में आपका देखिए एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज कोर्स आपका होना चाहिए। 12,582 रुपये आपको जो है पेमेंट दी जाएगी। BVD टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए देखिए ग्रेजुएट होनी चाहिए बायोलॉजी स्ट्रीम से, और लाइसेंस आपके पास होना चाहिए टू व्हीलर का देखिए, और एक्सपीरियंस मांगी गई है। 17,303 रुपये पेमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट VVD कंसल्टेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जियोलॉजी में दोस्तों, जो कि इंटोमोलॉजी में, और लाइफ साइंस वाले आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगी गई 1 साल का। ठीक है, 30,000 देखिए आपको इसमें देखिए पेमेंट दिया जाएगा। दोस्तों देखिए क्या एज लिमिट रखी गई है, तो मिनिमम 21 वर्ष है, मैक्सिमम देखिए जनरल के लिए 35 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए 37 वर्ष है, और महिला के लिए जनरल OBC WS के लिए देखिए 40 वर्ष है। महिला अनुसूचित जाति जनजाति के लिए महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष है, और महिला जो कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं 38 वर्ष है। दिव्यांग कैंडिडेट को देखिए 10 वर्ष का छूट दी गई है। एज कैलकुलेशन 1/4/2021 के अनुसार यहाँ पर देखिए की जा रही है। दोस्तों देखिए सिलेक्शन किस तरह से होगी, रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू के माध्यम से जो है देखिए आपका जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों आवेदन आप किस तरह से करेंगे। देखिए 18 सितंबर तक आप जो है फॉर्म भरेंगे। ठीक है, परीक्षा शुल्क लग रही है आपको देखिए 400 रुपये आपको पेमेंट देनी है, जो कि जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, तो 400 रुपये हैं। और SC ST के लिए देखिए 200 रुपये आपको पेमेंट देना है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। डिमांड ड्राफ्ट आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कोडरमा के नाम से आपको जो है भुगतान करनी होगी। दोस्तों देखिए फॉर्म भर के इस एड्रेस पर देखिए आपको जो है भेजनी है, यहाँ पूरा एड्रेस दे दिया हुआ है, इस एड्रेस पर देखिए फॉर्म भर के आपको जो है भेज देनी है। ध्यान रखिएगा लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, पद क्रमांक, पद का नाम, आवेदक का नाम एवं पता, ये सब जरूर आप जो है लिखिएगा लिफाफे के ऊपर। ये फॉर्म है दोस्तों, इस फॉर्म को आपको जो है भर करके भेज देनी है।